वही रहोगी, उसी के सहारे वो उस किरदार तक ये सारे संदेश पहुंचाती थी। मुझ तक भी एक संदेश पहुंचाएगा, बताएगा कि आखिर वो किरदार है कौन। अरे टॉमी, आ गया मेरा फ्रेंड इन नीड। कैसा है? और सब सही? बढ़िया। टॉमी, टॉमी, टॉमी खा। उस दिन जब मैं बिस्किट खिला रही थी तो ये खा नहीं जाता। से किसी ने भी बैग पे बंधा हुआ नोट नहीं निकाला। आखिर वो गद्दार है कौन? अब क्या करो? किसी ने भी वो चिट नहीं ली शायद। हाँ हाँ, मुझे उस कुत्ते पर नजर रखनी चाहिए। वो किरदार वहां जरूर आएगा। से अपना सबसे अच्छा दोस्त माना, जिस पर इतना भरोसा किया, वो कुत्ता निकली। चाहे कितना ही अच्छा दोस्त माना हूं मैंने इसे, चाहे वो रिश्ता जोड़ा हो, किसी ये सच नहीं बदल जाएगा किसने हम सबको मेरी अकादमी को सबसे बड़ी बात मेरे देश को धोखा दिया। देश से बड़ा तुम्हारा सच सामने आ चुका है, तुम फंस चुकी हो। संध्या, ये क्या कर रही हो तुम? बस, मुझे टारगेट बना के तुम गन शूटिंग की प्रैक्टिस करोगी क्या? क्या क्या हो गया तुम्हें? संध्या, ये सब क्या कर रही हो? जाके संध्या, ऑफिसर सिंह को गिरवाली पकड़ के ले गए, वो बहुत मुसीबत में। ऑफिसर सिंह खतरे में है, अब तुम्हें यहाँ पर उग्रवादी भी दिख रहे हैं। तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने है, गन नीचे करो, छोड़ो उसे। एग्जैक्टली, ऐसी अजीब सी बातें कर रही है। लगता है राहुल के साथ रहते रहते इसे भी मजाक करने की आदत हो गई है। पर संध्या, ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। मजाक मैं नहीं कर रही हूँ रोमा, तुम अच्छी तरह से जानती हो मैं क्या कह रही हूँ। नहीं जाके राहुल, मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ, कोई प्रैंक नहीं है ये मेरा। ये अब तक हमें बेवकूफ बनाती आई है और अब भी वही कर रही है। संध्या, रोमा ऐसा क्यों करेगी? वो हमारी दोस्त है, हमारी साथी, जरूर जरूर कुछ गलत फहमी है संध्या। दोस्त राहुल, जिसे हम अपना दोस्त समझते आए,
ये एक उग्रवादी संगठन का हिस्सा है जो हमारे साथ रहकर उनकी मदद कर रही है। संध्या, कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम उस पर ऐसे इल्जाम लगा भी कैसे सकती हो? झूठ है ये सब। संध्या, रोमा, झूठ मैं नहीं तुम बोल रही हो। जाके राहुल, यहाँ एक उग्रवादी संगठन जिसके लिए काम कर रही थी, इसको जिम्मेदारी दी गई थी कि ऑफिसर सिंह को पकड़कर उन तक पहुंचाए ताकि ऑफिसर सिंह इनके ग्रुप मेंबर्स को ट्रेनिंग देकर हमारी फौज की लड़ने के लायक बना सके। ये कुछ गलत फहमी है। अंदर क्या हो गया है तुम्हें? उग्रवादी? मैं एक अच्छे घर अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरी फैमिली बैंगलोर में सेटल्ड है। तुम चाहो तो अभी के अभी मैं अपने मॉम डैड से तुम्हारी बात करवा सकती हूँ। उग्रवादी? किस एंगल से तुम्हें उग्रवादी लगते हो? राहुल, जाके हमारे बीच में कोई नहीं आएगा। राहुल पीछे जाओ। हट जा। दीपक दोस्त है हम। इल्जाम कैसे लगा सकती हूँ मुझ पे? क्या हो गया है तुम्हें? दोस्त रोमा, स्टॉप इट। अपना ये नाटक बंद कर दो। मैं कोई नाटक नहीं कर रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। क्या तुम पागल तो नहीं हो गई हो? कुछ छोटा सीधा तो नहीं खा गया तुमने? राहुल जाके, मुझे तो लगता है इसकी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा, कैसे बहकी बहकी बातें कर रही है? रोमा ऐसा क्यों करेगी? वो हमारी साथी है, 11 महीने से हमारे साथ थी रोमा। पहले पता नहीं चलता क्या हमें? राहुल, मुझे इस पर कोई डाउट नहीं है। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि यह उन उग्रवादी संगठन का एक हिस्सा है। यहाँ तक कि ऑफिसर सिंह को मैंने मार देखा है। और तुम लोग जो सुबह तक देर तक सोए हुए थे, बारी हो रहा था तुम सबका, वो भी इसकी करतूत थी क्योंकि इसने रात के खाने के अंदर नशीली दवा मिला दी थी। इसलिए सब लोग बेहोश पड़े हुए थे और रात के अंधेरे में ऑफिसर सिंह को बेहोश देखकर ये यहाँ से उठा ले गई। मेरा गुलगोर का व्रत था और मैंने खाना नहीं खाया था, इसलिए मैं होश में थी और मैं अब भी होश में हूँ। राहुल, मेरी बात पर यकीन करो। एक मिनट संग, खाने में नशीली दवाई? तुम भूल गई हो कि वो खाना मैंने भी खाया था। राहुल, तुम्हें याद है तुमने अपने हाथ से सबको खाना खिलाया था? हाँ। संध्या, संध्या, रोमा ठीक कह रही है, मैंने उसे अपने हाथ से खाना खिलाया था, समझो बात को। तो इस हिसाब से तो मुझे भी नशे में होना चाहिए था। है कोई जवाब तुम्हारे पास? हाँ है, क्योंकि तुमने उस ड्रग का एंटीडोट खा रखा था। तुम बेहोश नहीं थी। एंटीडोट? नशीली दवाएं? इस बात को कहां से कहां लेकर जा रही हो तुम? क्या हो गया है तुम्हें? एक सेकंड, अब समझ आ रहा मुझे। ऑफिसर सिंह ने कहा कि वो बेस्ट कैडेट के लिए हमारे स्क्वाड से मेरा नाम भेजेंगे। ये तुमसे बर्दाश्त नहीं हुआ ना? और तुम्हारी भाभों ने कहा था कि उन्हें बेस्ट कैडेट ट्रॉफी चाहिए। तुम वो पाने के लिए कुछ भी कर सकती हो। तुमने ये रास्ता चुना? ना प्लीज, मुझे से माफ कर। इस ट्रॉफी के लिए तुम मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगा के मेरी जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो? बस मैं दोस्ती के नाते चुप, तो तुमने वो नाता भी तोड़ दिया। प्लीज, ये गन हटा दो, हटा दो ये गन। राहुल, जाके समझाओ इसको। संध्या, कुछ तो गलत हुआ है तुम्हारे। मैं सही कह रहा हूँ, देखो मैं रोमा के साथ खड़ा था जब ऑफिसर सिंह ने तुम्हें बेस्ट कैडेट ट्रॉफी से डिस्क्वालीफाई किया। रोमा तुम्हारे लिए बहुत परेशान थी, मैं था वहां पे। बेस्ट कैडेट ट्रॉफी के लिए हमारी इतनी अच्छी दोस्ती खराब मत करो संध्या, घर हटाओ। नहीं राहुल, मैं एक गद्दार के सर पर से बंदूक नहीं हटा सकती। कुछ तो इस बात का कि तुम्हें लग रहा है कि ये सच्ची है और मैं बेस्ट कैडेट की ट्रॉफी के लिए सब कर रही हूँ।
वाह, लेकिन मैं भी सच और झूठ साबित करके रहूं। संजय तू पागल हो गई हो क्या? कहने दो, मैं तुम्हें रोमा के साथ कुछ गलत नहीं करने दूंगा। कुछ है ही नहीं साबित करने के लिए, क्या साबित करोगी तुम? साबित राहुल, तुम्हें यकीन दिलाने के लिए मैं याद दिला दूं कि जंगल टास्क के पहले दिन जाकिर ने मेरे कंपास पे मैग्नेट लगाया था और गायब ये मैडम हुई थी। और हम सब क्या सोच रहे थे कि वो कोई हादसा है, जबकि वो इसकी चाल थी। कोई हादसा नहीं था, ये हमें बेवकूफ बनाई जा रही थी और हम बने जा रहे। तुम कोई भी मनगढ़ंत कहानी सुनाओगी और हम सुन लेंगे। कब से यहां खड़ा हूं और तुम्हारी बातें सुन रहा हूं? बकवास कर रही हो तुम? एक एक बात तुम्हारी झूठी है। और सबसे बड़ा झूठ ये है कि ऑफिसर सिंह किडनैप हुई। ऑफिसर सिंह किडनैप नहीं हुई है। अरे मैं गया था उनसे बात करने के लिए, अपनी पनिशमेंट कम करवाने के लिए, लेकिन मुझे वहां अंदर अलाउ नहीं किया। कोई बहुत बड़ा डिस्कशन हो रहा है वहां अंदर, बहुत बड़ी सीक्रेट है। सच कह रहा हूं, सुना तुमने? संध्या, अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो अपनी गन नीचे करो और चलो मेरे साथ। चलो रुको, आज मैं प्रूव कर दूंगा कि ये गलत है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।